साहब देखिए किस तरह से बालू की लूट हो रही है। ये अभी अभी सवेरे की तस्वीर है, पुल भी टूट जाएगा। ये माफिया लोग, बालू माफिया लोग सरबाद और जामतला बॉर्डर के बीच बालू उतार रहे हैं। देखिए किस तरह से बालू माफिया लोग बालू तस्करी करके बंगाल भेजते हैं। हजारों हाईवा यहाँ पर, सरकार एक तरफ बालू पर रोक लगाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ देखिए आप नजारा देखिए, बालू किस तरह से लूटा जा रहा है। बालू हाकिम को खोखला कर दिया इन माफियाओं ने। देखिए देखिए पुल भी गिर गया, पुल भी ध्वस्त हो गया। ये पुल है धनबाद, देखिए दूसरी और दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह नाव से बालू निकाल रहे हैं ये लोग, खोखला कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि धनबाद के SP और धनबाद के DC को तुरंत सस्पेंड कीजिए। बजरा घाट जो धनबाद और जामतला के बीच में है, बराकर नदी पर यह पुल है और जो मैं दृश्य देखा मुझे बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था, मतलब 3-3, 4-4 हजार हाईवा, 500-500 नाव से बालू बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहां NGT का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी ऑफिसर लोग का इतना मन बढ़ गया है। अधिकारी काम करने आते हैं कि चोरी कराने आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। ये बात सही है कि बालू का चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, तो हम लोग चुप रहेंगे। पिछले सदन में भी मैंने मांग उठाया था कि बजरा घाट में बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है। बंगाल के माफिया, बिहार के माफिया, बताइए आदिवासी का यही पहचान है, अब लूट रहे हैं। सदन में मैंने मांग किया था, मुझ पर हमला किया ये लोग माफिया लोग, हम बाल बाल में बच गया और ये लगातार चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत है इसमें, सरकार मौन क्यों है। मैं सरकार से मांग करता हूँ आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर। सरकार की छवि खराब हो रही है, हमारी छवि खराब हो जाएगी, कल जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। अब बताइए पुल भी टूट गया, पुल के किनारे किनारे सारे बालू उठाव कर लिया, पुल नीचे धंस गया है। अब बताइए सैकड़ों बच्चे वहाँ से पार होते हैं, पुल टेढ़ा हो गया, कभी भी धंस सकता है पुल, फिर भी देखिए तो हाईवा वहाँ गुजार देता है रातों रात में। तो इसको रोकना चाहिए सरकार को और मैं मांग करूँगा कि ऐसे माफियाओं पर सरकार लगाम लगाए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। छात्र एक